चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर सोनीपत में समाज कल्याण विभाग की लापरवाही का मामला भी सामने आया है। बता दें कि सलीमसर गांव के नंबरदार के जिंदा होने के बाद भी उसे मृत घोषित कर दिया गया। समाज कल्याण विभाग सोनीपत ने जय भगवान नंबरदार को मृत कर बुढ़ापा पेंशन काट दी है। नंबरदार जिंदा होने का सबूत लेकर अलग अलग कार्यालय के 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं। 35 सालों से नंबरदारी कर रहे जय भगवान की समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला। वहीं समाज कल्याण विभाग में अधिकारी का कहना है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान आधार कार्ड में गलत जानकारी चढ़ जाती है। जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी हुई है उनकी भी पेंशन रोकी गई है। वहीं उन्होंने सक्षम युवाओं द्वारा किए गए कार्य में खामियां होने के कारण भी आधार माना है। जिन लोगों को मृत दिखाया गया है उनसे संबंधित कागजात और प्रार्थना पत्र लेकर उच्च कार्यालय में भिजवाया जा रहा है और ऐसी पेंशन जल्द ही दुरुस्त करवाई जाएगी। या तो इनके आधार नंबर गलत चढ़ जाते हैं उसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते समय उस टाइम उसके ये आधार नंबर पेंशन से जुड़ा हुआ है, इसके वो पेंशन बंद हो जाती है, वोटर आई डी दिखा देती है। कुछ जिसने फैमिली आईडी नहीं बनवाई तो उसकी फैमिली आईडी ना होने के कारण सरकार ने देख लिया भाई आदमी है नहीं, तो उसकी भी वो लाइट दिखा दी जाती है। जो सर्वे करवाया जाता है सक्षम युवाओं से, गलती से वो उसका भी वो हो जाता है। मेरे लिए बुढ़ापा पेंशन समाप्त करने और मेरे को मृत घोषित कर दिया, जबकि मैं 35 साल से नंबरदारी भी कर रहा हूँ। तो मुझे स्टेट है, तहसीलदार है, हर जगह गाँव की शनाखत आ रहा हूँ, जबकि मेरी पोस्ट का कोई ऑप्शन नहीं। सिर्फ समाज कल्याण वालों ने मेरे को रजिस्टर कर दिया, तब स्वास्थ्य विभाग वालों ने मेरे को बहुत मृत घोषित कर दिया और जिससे मेरे को बहुत परेशानी हो रही।